शिवसेना और बीजेपी के मंत्रियों के बीच अधिकारों को लेकर चल रही तनातनी पर कांग्रेस ने ली चुटकी। कहा बीजेपी शिवसेना के बीच काम को लेकर नहीं फाइलों को लेकर लड़ाई। शिवसेना बीजेपी के बीच चल रही कलह पर एनसीपी की चुनौती। एनसीपी ने कहा शिवसेना में दम है तो सरकार से अलग होकर दिखाए। एनसीपी के कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल शनिवार को मोदी मुंबई के बाद बारामती जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार 2016 तक 2600 मिल मजदूरों को देगी घर। मुंबई में 6 मिलों की जमीन पर बनाए जा रहे हैं इमारत। मुंबई में लगातार बढ़ रहा है स्वाइन फ्लू का खतरा। अब तक 90 से ज्यादा लोग स्वाइन फ्लू के शिकार। 7 लोगों की हो चुकी है मौत। मुंबई एयरपोर्ट पर बढ़ा सोने की तस्करी का मामला। कस्टम के अधिकारियों ने 2 मामले में किया 19 लाख का सोना जब्त। सोने की तस्करी में एयरलाइंस के कर्मचारियों के शामिल होने के बाद अब पायलट और केबिन क्रू की भी होगी कस्टम जांच। कस्टम विभाग ने सभी एयरलाइंस को दिया निर्देश। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर कहा मुंबई में बनेंगे 5 नए बीकेसी। फिक्की के कार्यक्रम में फडणवीस ने की बात। अनिल अंबानी के रिलायंस समूह रक्षा और वैमानिकी निर्माण क्षेत्र में रखेगी कदम। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने बीएसई को दी जानकारी। एसोचैम के सर्वे के मुताबिक वैलेंटाइन डे पर होगा 22,000 करोड़ का कारोबार। खुदरा बाजार में पिछले साल के मुकाबले 40% खरीदारी बढ़ने की उम्मीद। हिट एंड रन मामले में सुनवाई के दौरान केमिकल एनालिस्ट ने माना सलमान के ब्लड सैंपल में 2 मिलीमीटर की थी कमी। केमिकल एनालिस्ट ने कहा कि ब्लड सैंपल 6 मिलीमीटर होना चाहिए जबकि सिर्फ 4 मिलीमीटर मिला। उर्दू अखबार के संपादक अश्विन मामले में मुंबई पुलिस ने 2 पेपर बेचने वालों को छोड़ा। शाली हेब्दो के विवादास्पद पिक्चर छापने के बाद अखबार बेचने के मामले में किया गया था गिरफ्तार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने दिया लाल फीताशाही पर रोक लगाने का भरोसा। उद्योग जगत से बातचीत के बाद उन्होंने लैंड और लेबर रिफॉर्म को भी बताया वक्त की जरूरत। फंड की कमी की गाज गिरी ग्रामीण योजनाओं पर। सरकार ने 60 करोड़ की योजनाओं पर लगाया ताला। इसी हफ्ते टूट सकता है शाहरुख के बंगले के बाहर का रैंप। बीएमसी ने दिया था 7 दिनों की मोहलत। फिल्मों के स्टंटमैन की सेफ्टी पर बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार। राज्य सरकार और फिल्म फेडरेशन को सेफ्टी गाइडलाइंस बनाने का दिया निर्देश। मुंबई के मरीन ड्राइव पर एलईडी लगाने पर विवाद। पीली लाइटें हटाने की जांच करेगी मुंबई हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी।